अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, दिस वन इज़ आवर लेक्चर नंबर सिक्स पार्ट टू. ओके, नाउ लिसन द लेक्चर केयरफुली. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और अभी इस पार्ट टू में हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, आप ये स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं, अपनी इस स्ट्रक्चर को एज इट इज़ कॉपी करना है. ओके, आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्टॉप कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और ये स्ट्रक्चर जो है अपनी कॉपी पर लिखेंगे. चलिए अब हम समझते हैं इसको. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल माजी, ठीक है, फेल माजी जारी. पहचान इसकी क्या है? उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता, ठीक है. जैसे अहमद खाना खा रहा था, क्या बारिश हो रही थी. अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं. बेसिकली कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है ना, चाहे मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करवाऊँ, पास्ट करवाऊँ या फ्यूचर करवाऊँ, इसमें एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं. सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएंगे. जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आ रहा था, तो अभी इसमें क्या आएगा, इसमें वॉज और वर का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है. ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे. सबसे इजी सेंटेंस है ये, टेंस है हम लोगों का. चले इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हुए, यानी सिंपल जो जुमला होता है हमारा, सबसे पहले आ जाता है उसमें सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वॉज या वर. वॉज आता है सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे अस्मा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बोली थी अहमद खाना खा रहा था, तो आ जाएगा अहमद वॉज, ठीक है, अहमद के साथ वॉज आ जाएगा. और अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वहाँ पर हम दे आ जाता है, वी आ जाता है, तो उसके साथ वर लगा देंगे, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होते हैं वॉज और वर. सिंगुलर नाउन के साथ वॉज आएगा और प्लूलर के साथ वर आएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लगाएंगे आई एन जी और देन ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस की तरफ स्ट्रक्चर में आ जाएं तो हम इसमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज या वर्ब जो भी होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंगली. उसके बाद हम लगाएंगे नोट, नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, और लास्ट में हम लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको जैसे मालूम है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, वॉज या वर सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, और फिर हम लोगों का आएगा ऑब्जेक्ट. दिस वन इज आवर स्ट्रक्चर. उर्दू में इसकी पहचान यही है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है. हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज और वर लगते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, जो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं. चले नीचे हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं. वो पैदल स्कूल जा रहे थे. अब आप देखें जुमले के आखिर में क्या आ रहा है, रहे थे. वो, अब ज्यादा लोग हैं तो क्या यूज करेंगे, दे. दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वर. दे वर गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, पैदल स्कूल जा रहे थे. नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वर के बाद नोट लगा देंगे, वो पैदल स्कूल नहीं जा रहे थे. दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, फुल स्टॉप. क्या वो पैदल स्कूल जा रहे थे, सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव. तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और बोलेंगे वर दे गोइंग टू स्कूल ऑन फुट. होप सो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी जो है वो क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको इसकी कुछ टेंसेस उर्दू में एग्जाम्पल्स इसकी भी लिखाऊंगी, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ओके. और ये सारा काम आपने अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लीन करना है. इसके मार्क्स भी दिए जाएंगे आपको, ओके जी स्टूडेंट्स. यू हैव टू ट्रांसलेट दीज टेंसेज इनटू इंग्लिश. नंबर वन, बंदर दरख्तों पर चर रहे थे. लड़की अपनी अम्मी को बुला रही थी. वो बेकार नहीं बैठ रहे थे. बच्चे शरारतें नहीं कर रहे थे.
मुर्गी अंडा दे रही थी। क्या वो झूठ बोल रही थी? वो अखबार नहीं पढ़ रहा था। वो गाना कब गा रहे थे? क्या वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था? सूरज चमक नहीं रहा था। आपको पता है, मैं आपको एक उर्दू का जुमला लिखवाकर नीचे आपने दो लाइनें छोड़नी है, वहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर अगला जुमला लिखना है, और बहुत ही प्यारा प्यारा और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना आपने काम करना है। ओके, ये था हम लोगों का पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस।